ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछागलवतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 36। पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वा इतान् आततायिनः तस्मात् न अरिहा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिना स्याम माधव। यदि हम ऐसे आततायियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन का ना लड़ने का रीजन नंबर 3, पहले बोला मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, दूसरा बोला मैं अपने संबंधियों को ही मार दूंगा तो संबंधियों के साथ तो जीवन है वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे आतताई हैं, माना कि ये आतताई हैं, ये तो मान रहे हैं अर्जुन कि ये आतताई हैं, और प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि आतताई का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो कह रहे हैं कि यदि हम आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, जो किसी को विष दे के मार दे वो आतताई है। घर में अग्नि लगाने वाला, किसी के घर में आग लगा दे, तो विष दिया था इन्होंने, हाँ दुर्योधन ने विष दिया था भीम को, घर में अग्नि लगाई थी लक्षाग्रह में। घातक हथियारों से आक्रमण तो कर ही रहे हैं, पहले भी किया। धन लूटने वाला, तो धन लूटने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया इनको राज्य से कैसे निकाला जाए। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। देखा जाए तो सारे के सारे 6 योग्यताओं पर खरे उतरते हैं। हाँ कौरव बड़े योग्यवान लोग हैं, यानी कि आतताई होने के 6 गुण या अवगुण, उन सब पे खरा उतरते हैं लोग, तो आतताई तो हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, शास्त्र बताता है कि आतताइयों का वध कर देना चाहिए, इसके वध से पाप नहीं लगता। अर्जुन कह रहे हैं कि पाप चलेगा, पहले खुद ही बोल रहे हैं कि आतताई है, तो कह रहे हैं आतताई का वध करेंगे तो पाप चलेगा। ये तो ऐसा हो गया कि अगर कोई मर्डर केस वाले को फांसी चढ़ा दी तो पाप लग जाएगा जज साहब को, तो जज साहब कह रहे हैं नहीं फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, मैं क्यों पाप करूं भैया। हाँ क्या ये उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज या कोई भी जज या मजिस्ट्रेट है, वो सजा देने से पहले ये सोच रहा है कि यार मुझे तो पाप नहीं लगेगा। पुलिस वाला किसी को डंडा मार रहा है तो सोच रहा है मुझे पाप तो नहीं चढ़ जाएगा, तो डंडा ही नहीं मार रहा है वो। अगर ऐसे क्षत्रिय अपना रोल अदा करने लगे तो बड़ी गड़बड़ जाएगी। या गुरु अपने शिष्य को कुछ डांटने से पहले ये सोचने लग जाए कि मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा, तो कई बार गुरु इतना ज़ोर से डांट देते हैं कि रोना आ जाता है। कई बार बहिष्कृत कर देते हैं, लेकिन शिष्य का कुछ कर्तव्य है कि फिर भी चरणों पर गिरा रहे। लेकिन यदि ऐसे गुरु ये सोचने लग जाए कि ये तो पाप लग जाएगा, तब तो गुरु ना तो डांट पाएगा ना क्षत्रिय मार पाएगा, तो इससे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, खुद ही कॉमन सेंस लगती है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि आतताई 6 प्रकार आतताई हैं,
लेकिन हम मारेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। तो वास्तव में पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये किसी कार्य से डिसाइड नहीं होता है। ये कार्य करने की इंटेंशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार डिसाइड होता है। जैसे कि आदमी को खाना खाना है, हर इंसान को, हर जीवात्मा को खाना खाना है, जीव जीवस्य जीवनम। तो खाने के लिए कई बोलते हैं यार खाना है तो मैंने बकरा खा लिया, खाया ही तो है ना, मैंने उसकी चमड़ी को दीवार पे थोड़ी लटकाया है या चमड़ी का वो पैंट थोड़ी बनाई है, खाया है, क्या प्रॉब्लम, खाऊँ ना क्या खाना, है ना। तो ये सोचने का विषय है कि खाया तो है, ज़रूरत तो है, बट रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेशंस क्या कहती है कि नहीं। आपने खाया है, आपने किसी दुकान में से उठा के खा लिया, माना आप कहोगे यार खाना तो इंसान का खाना तो उसका हक है ना, रोटी भी नहीं दोगे, आपने दुकान से ब्रेड उठाई और ले गए, रूल्स के अगेंस्ट में है, यू हैव टू पे द प्राइस। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा हर समय जीवन जीने में क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस हैं। कार्य इन इटसेल्फ गंदा या अच्छा नहीं होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम देते हैं कई बार, कि एक सेनानी जो है बॉर्डर पे किसी को मारता है तो मारना वहाँ पाप नहीं माना जाता, क्योंकि उसको तो मेडल चढ़ाए जाते हैं एक के बाद एक मेडल, इसने इतने लोगों को मारा, इसने अकेले अपनी जान पे खतरे में लेकर गोलियों के बौछार कर दी और ये टूट पड़ा उनके उस पर, इसकी टांग में गोली लग गई, फिर भी ये मारता रहा मारता रहा, हम इसको परमवीर चक्र देते हैं, तो वहाँ पर देते हैं। अब यहाँ पर भी आए, हाँ शहर गली गली के अंदर घमासान हुआ, एक आदमी ने एक को पीटा, दूसरे को पीटा, पीटता पीटता तीसरे को, चौथे को पीटता पीटता पूरे गली के सारे हीरो को पीट डाला, तो हम इसको चक्र देते हैं, डंडे देते हैं इसको। हाँ दुष्ट कहेंगे इतना बड़ा खलीफा बन गया है, सबको मार रहा है, कितना डिफरेंट हो जाता है ट्रीटमेंट, मारा ही तो है इसने, तो बल्कि मारा ही है, मुंह से मारे हैं, उसने तो गोली से मारा है। तो कोई कार्य अच्छा बुरा नहीं है, कार्य करने का इंटेंशन क्या है, हाँ, और उसके इर्द गिर्द रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। खाली इंटेंशन से भी काम नहीं चलेगा। मेरी इंटेंशन है सारे पापियों को मार दूंगा, मैं निकल पड़ा हूँ आज, कई लोग कहते हैं सारे पॉलिटिशियन को मार दूंगा, सब चोर हैं। हाँ अच्छा जी, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले और आप कौन होते हैं मारने वाले, आपको समझना पड़ेगा। आपका इंटेंशन हो सकता है समाज की भलाई करने के लिए हो, लेकिन आपकी योग्यता उसकी नहीं है, आपको उसका रोल भी नहीं दिया गया। तो ये सारी बातों को समझ के समझ में आएगा कि पाप है या नहीं है। केवल ये कह देना कि हमने मार दिया है तो पाप है, तो अर्जुन, हाँ इसलिए समझना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पर बकरे को मारना भी पाप हो और इंसान को मारना पाप ना हो, ये भी हो सकता है कि नहीं। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक धर्म का युद्ध चल रहा है, एक क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है अर्जुन, इज सेंटली पर्सन। हाँ लेकिन सेंटली पर्सन को भी कायर नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं क्षत्रिय को साधु तो होना चाहिए, राज ऋषि होना चाहिए, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचने चाहिए, क्या हो जाएगा यदि मैंने ऐसा कर दिया तो ये मुझे पलट के मारेगा तो, हाँ ऐसा डर नहीं सकता वो, मारेगा तो मारेगा, देखेंगे आज हमने मारना है क्योंकि आज हमारा कर्तव्य है, वो पलट के मारेगा, मर के मैंने बाण मारा और बाण अगर साइड में से निकल गया तो, फिर उसको गुस्सा आ गया तो, फिर उसने 4 बार मार दिया तो तो क्षत्रिय से डर नहीं सकता है ना। उसी तरीके से वो ये नहीं सोच सकता कि सामने मेरा रिश्तेदार खड़ा है कि नहीं, उसको ये सोचना चाहिए कि धर्म क्या कहता है, जैसे हमने बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, और उस धर्म के अनुसार उसका एक कर्तव्य बनता था। हाँ क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा था, बड़ा सोच समझ के, ऐसा तो नहीं है उतावलेपन में युद्ध डिसाइड किया गया, हाँ बड़ा सोच समझ कर शांति प्रस्ताव रखे गए, उसके बाद डिसाइड किया, और जो भी सामने खड़े थे वो आतताई और थे, ऐसा अर्जुन खुद कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आतताई को तो वैसे ही, हाँ दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा था पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, हाँ इन लोगों को प्रभुपाद कह रहे हैं तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनको वध करने से पाप लगता ही नहीं है, एनीवे नहीं लगता है, लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, साधु आतताइयों को भी क्षमा कर देता है, लेकिन इस प्रकार क्षमा नहीं करता कि वो खुलेआम घूमते रहें। हाँ है कि नहीं, परीक्षित महाराज के सामने साक्षात कलयुग आ गया था और गाय और बैल को मार रहा था, मार ही चुका था, तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उसका बिल्कुल को ख़त्म समाप्त कर दिया, समझ लीजिए वो नतमस्तक हो गया कलयुग, और कलयुग ने बोला जी मुझे रहने की जगह चाहिए, तो उन्होंने जगह दी, लेकिन इस प्रकार से दी कि कलयुग एंटर ही ना कर पाए, और वास्तव में जब तक परीक्षित महाराज थे तो कलयुग वहाँ पर रहा, क्योंकि उसने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी प्रजा का हूँ, माना मैं दुष्ट हूँ लेकिन हूँ तो आप ही की प्रजा, मुझे भी तो जगह दीजिए, तो वो जगह देते हैं, लेकिन जगह इस प्रकार से देते हैं कि वो पनप ना पाए, वो अपने गंदे कार्य ना कर पाए,
है ना। तो इसी तरह से पापियों को साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि हम सभी पापी हैं। कलयुग में हम बचे हुए हैं चोकड़ की तरह, आटे में से चोकड़ बचती है। हम सब जब चोकड़ बची है तो खाने में तो गंदी लगेगी। हम सभी का सिचुएशन ऐसी है कि हमारे अंदर काम क्रोध भरा पड़ा है, लस्टी डिज़ायर्स भरी पड़ी हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ में रहना ही पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए, अपनी लस्टी डिज़ायर्स को कार्यान्वित ना कर पाए। ऐसे नियम बनाने आवश्यक हैं, ध्यान रखिए। यदि ऐसे नियम नहीं बनाएंगे तो हमारे अंदर से लस्टी राक्षस बैठा है, वो निकल के आएगा, कुछ करेगा ही करेगा। इसमें किसी को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारी स्थिति ऐसी है, दिस इज द रियलिटी। इसलिए सिचुएशन ऐसी बनाई जाए कि कोई कुछ कर ना पाए। ज़्यादा घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम सब का हाल है। बट हम कम से कम ऐसे नियम अपने आसपास खड़े कर दें। डोंट थिंक दैट वी आर मॉडर्न, वी आर ओपन माइंडेड, वी आर लिबरेटेड एंड वी आर समथिंग मॉडर्न पीपल। और अनमॉडर्न पीपल रूढ़ीवादी नियम बनाते हैं। हाँ, रूढ़ीवादी लोग कहते हैं कि एक आदमी का पुरुष पत्नी के साथ संबंध होना चाहिए। हाउ ओल्ड फैशन इट इज़, दे डोंट अप्रूव लिविंग रिलेशनशिप। हाँ, अब लिविंग रिलेशनशिप है, शादी करने से पहले अगर रिश्ता बना लिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पहले प्यार करेंगे फिर शादी करेंगे। पहले ज़माने में पहले संबंध बनता था फिर प्यार होता था। तो आप कहेंगे संबंध ऐसे ही बना लें, जब प्यार करेंगे तभी तो समझ में आएगा। अच्छा, प्यार का मतलब वो शारीरिक संबंध, आसपास क्लोज आएंगे तभी तो पता चलेगा कि इसके पसीने की बदबू कितनी है, तभी तो डिसाइड करेंगे कि शादी है कि नहीं, करनी है कि नहीं करनी है। शादी होती थी योग्यता के आधार पर, ना कि पसीने की बदबू, उसकी इनकम, उसकी शर्ट, उसके बाल। हाँ, जो कि आपको पता चलता है क्लोज आने से। वास्तव में आप किसी को पहचान नहीं सकते क्लोज आने से भी। आदमी की पहचान डिफरेंट ही होती है, जो कि बाद में पता चलती है। तो इसलिए पहले योग्यता के आधार पर विवाह होगा, फिर उसके साथ संबंध जुड़ेगा तो प्यार इत्यादि किया जाएगा। तो इस प्रकार का कल्चर हमारा था, कि जो अब कल्चर समाप्त होता जा रहा है। तो एनीवे, कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्तव्य क्या है, क्या सिचुएशन है, उसमें किस प्रकार से हमें कोई कार्य करना है। वो कार्य पाप है या पुण्य है? एक भक्त जो है पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता है, कभी भी ध्यान रखिए। भक्त हमेशा ये सोचता है कि कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है या नहीं है। अगर है तो वो पुण्य नहीं है, वो पुण्य के बहुत ऊपर है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो कोई भी पुण्य कार्य करने के लिए भी भक्त इंटरेस्टेड नहीं है। भक्त किसी चिड़िया को आटा डालने या चींटी को आटा डालने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो डाल भी सकता है, बट उसका पर्पज़ ये नहीं है। क्योंकि सबसे पहले 84 लाख योनियों में मनुष्य मनुष्य को देखना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी लोगों को केयर कीजिए, ओके, केयर कर सकते हैं। जीव संसार में ऐसे हम तो किसी को मारते ही नहीं हैं, ना खाते हैं। लोग तो खा जाते हैं, किसी को ना खाना ही अपने आप में बहुत केयर है। हाँ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करना अपने आप में केयर है। तो जानवरों की केयर इतनी बहुत है, प्रकृति ने उन्हें खाना दे रखा है। आप चींटी को आटा नहीं खिलाओगे तो चींटी नहीं मरने वाली है, ना ही कबूतर बिना आपके दाने के मरने वाला है। तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है वास्तव में। हम अगर प्रकृति को छेड़छाड़ ना करें, उससे सारे जीव जंतु सुखी रहेंगे। ये बात को समझ लीजिए। तो जीव जंतुओं की केयर तो ऐसे हो गई। अब वास्तविक केयर है मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य गलत रास्ते पर जा रहा है। वो जानवरों की तरह जीवन जी रहा है। उसको सिखाने की आवश्यकता है कि जीवन कैसे जिया जाए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, समझ पा रहा है? तो इस प्रकार से क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसको ना सोच के हमें ये सोचना है कि क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए है और क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। गुरु की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है, भक्तों की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता है, शास्त्रों की बातों को मानना भगवान की प्रसन्नता है। इसलिए हम गीता भागवत रोज पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जीना। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि अर्जुन थोड़ा कुछ, हाँ, इसलिए जब हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं तो ये गलतियाँ कर देते हैं। खुद ही कह रहे हैं कि वो आतताई हैं, कह रहे हैं कि उचित नहीं होगा यदि हम इनका वध कर देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र था, उनके मित्रों का वध कर देंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। हाँ, तो उस पाप से डरता नहीं है भक्त। हाँ, ना ही हनुमान डरे थे पूरी लंका में आग लगाने से पहले। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, देखिए कितना इम्पोर्टेंट वर्ड बोल रहे हैं। लक्ष्मीपति क्यों बोल रहे हैं? कह रहे आप तो लक्ष्मी के पति हैं। इसमें दो बातें निकल के आती हैं कि अर्जुन को पहले ही पता है कि सामने जो कृष्ण है यही नारायण है, इसका मतलब। क्योंकि कृष्ण को तो कभी लक्ष्मी के साथ देखा नहीं, तो लक्ष्मीपति कैसे बोल दिया? इसका मतलब ही नोज पकड़ेगा यहाँ पर अर्जुन। हाँ, उनका हृदय एक भक्त का हृदय है। भक्त जानता है कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे लोगों के लिए अर्जुन के इतने सारे प्रश्न थे, ताकि एकदम से खुलासा हो जाए।
अदरवाइज ही वॉज अ डिवोटी, एग्जॉल्टेड डिवोटी। हाँ, हे लक्ष्मीपति कृष्ण। लक्ष्मीपति का दूसरा पर्पज़ ये रहा कहने का कि आप तो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी तो भाग्य की देवी हैं, आप कोई ऐसा कार्य कैसे करा सकते हैं जो भाग्य आदमी का खराब कर दे, उससे पाप करा दे, उसका सारा भाग्य खराब था, हमारे जीवन में दुख आते हैं हमारे पाप कर्मों की वजह से, और आप मुझसे पाप कराएंगे तो कैसे? आप तो पर दूसरा ये कह लिया जाए कि हे कृष्ण, आप तो लक्ष्मीपति हैं, यदि आप कुछ करने को कहेंगे तो पाप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो साक्षात भाग्य की देवी के भी पति हैं। तो ये भी कह सकते हैं इसमें कि अर्जुन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि क्या आप जो कहेंगे वो तो परम भाग्यवान ही है। हाँ, इससे हमें क्या लाभ होगा? ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम कोई कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि हमें क्या लाभ होगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं इससे पिछले वाले में कि कुटुंबियों के साथ इंजॉय करना इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आता है गजेंद्र का। गजेंद्र अपने कुटुंबियों के साथ पिकनिक मनाने गया था, जैसे हम पिकनिक मनाने जाते हैं छुट्टियों में, तो साथ में हाथ, गजेंद्र इज द नेम ऑफ एलिफेंट, उस हाथी के अंदर पता नहीं हजार या समथिंग लाइक हाथियों का बल था, वो हाथियों का राजा था, वो जंगल का राजा था, शेर भी उससे डरता था, और अपने कुटुंबियों के साथ वो पिकनिक मनाने जा रहा था। अक्सर हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो किसी पौंड पे कूद जाते हैं, वो भी पौंड में कूद गया, हथनियाँ भी पौंड में कूद गई, इंजॉयमेंट चल रहा था तभी मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया। तो कुटुंबियों के साथ इंजॉय करना इज़ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। तो फिर वास्तव में क्या पर्पज़ है? हाँ, तो ये तीसरा रीज़न आज अर्जुन ने दिया ना लड़ने का, उसका मुख्य जो जिस्ट था वो ये था कि आज व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड ये है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको हम अदालत में, अगली अदालतों में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।